तू कहाँ था? तेरी बहन की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। डॉक्टर साहब, चाचा डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर साहब यहाँ सालों से कोई डॉक्टर नहीं है, ये चिकित्सालय बंद ही रहता है। पिंकी, पिंकी। काश इस गांव में कोई डॉक्टर रहता तो मेरी बहन मेरे साथ होती। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, जो मेरे साथ हुआ वो इस गांव में किसी और के साथ ना हो। माँ, अगर गांव में कोई डॉक्टर होता तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। माँ, मैंने सोच लिया है, मैं आगे की पढ़ाई शहर जाके पूरी करूंगा और डॉक्टर बनकर ही वापस आऊंगा। पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं भैया। हाँ बोलो। आपसे कुछ बात पूछनी थी। हाँ पूछो। मुझे इस कॉलेज में दाखिला लेना है। दाखिला लेना है? एक बात बताओ, एंट्रेंस परीक्षा में मार्क्स कितने हैं तुम्हारे? परीक्षा तो नहीं दी मैंने। अरे अगर परीक्षा ही नहीं दी तो तुम दाखिला कैसे लोगे? किसी अच्छी कोचिंग सेंटर जाओ, खूब पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ और फिर दाखिला लेने वापस आओ, ठीक है? How may I help you? जी मुझे डॉक्टर बनना है। जी हम यहाँ डॉक्टर नहीं बनाते हैं, हम यहाँ कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कराते हैं। आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म तो मैं भर दूंगा, पहले आप मुझे फीस के बारे में बता दीजिए। आपका एक साल का कोर्स होगा और इसकी फीस है 70,000 रुपए। 70,000? अगर मैं गाँव में अपनी सारी जमीन भी बेच दूँ तब भी मैं इतना पैसा नहीं जुटा पाऊंगा। कैसे करूंगा मैं पढ़ाई, कैसे बनूंगा मैं डॉक्टर? अरे भाई भाई भाई, क्या कर रहे हो? किधर ध्यान है तुम्हारा?
क्या आप डॉक्टर हैं? मैं डॉक्टर तो नहीं, पर इस शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर के यहाँ काम जरूर करता हूँ। लेकिन एक बात बताओ भाई, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या बताऊँ भाई साहब आपको, बहन की चिता जलाकर आया हूँ। माँ को घर छोड़कर आया हूँ कि डॉक्टर बन सकूँ। कॉलेज गया, वहाँ से उन्होंने कोचिंग भेज दिया। कोचिंग की फीस भरने की हैसियत नहीं है मेरी। अच्छा एक काम करो, आओ मेरे पीछे बैठो, डॉक्टर साहब के यहाँ मैं तुम्हें काम दिलाता हूँ। पूरी डॉक्टरी तो नहीं, कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओगे। आओ बैठो। मैं कम इन डॉक्टर साहब। कम इन। नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ बोलो, क्या हुआ? डॉक्टर साहब ये मेरे गांव का लड़का है, शहर में काम ढूंढने आता, बहुत मेहनती लड़का है डॉक्टर साहब, घर में अकेला कमाने वाला है। नाम क्या है तुम्हारा, इससे पहले कहीं काम किया है? डॉक्टर साहब मेरा नाम मनोहर है, काम तो मैंने नहीं किया पर मैं काम जल्दी सीख जाऊंगा, आप जो काम बोलोगे वो मैं पूरा मन लगा के करूंगा। अच्छा तो एक काम करो, कल से इसको अपने साथ काम पे ले आओ। ठीक है डॉक्टर साहब। माँ? हाँ माँ। क्या तबीयत ठीक नहीं है? कब से? ठीक है मैं आ रहा हूं। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, गांव से माँ का फोन आया था, थोड़े दिनों से माँ की तबीयत खराब चल रही है। अच्छा तो तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए घर हो आओ। और रुको, ये कुछ दवाइयां भी अपने साथ लेते जाओ। धन्यवाद। माँ माँ क्या हुआ आपकी तबीयत को? बेटा तू कैसा है, इतने सालों बाद आया है। माँ कब से आ रहा है ये बुखार आपको? कुछ हफ्ते दो हफ्ते से तबीयत ठीक नहीं लग रही है, भूख भी कम लगती है, शरीर में भी दर्द हो रहा है। मनोहर बेटा तू कुछ दिन तो यहाँ रुकेगा ना? माँ मैं कुछ दवाइयां रख रहा हूं, आप समय से ले लीजिएगा। बेटा तू कुछ दिन तो यहाँ रुकेगा ना? हाँ माँ मैं कुछ दिन यहीं रुकूंगा, अब आप आराम करिए। अरे चाचा मौसी सब सुनो, हमारा बेटा डॉक्टर बन गया है, दवाई के सिर्फ एक ही खुराक से ठीक कर दिया हमारे बेटे ने हमको। बेटी जरा मनोहर से बोल के दवाई दिलवा दो ना चाची को, लगातार दो दिन से बहुत उल्टी हो रहा है उसको। हाँ हाँ चाचा क्यों नहीं, मेरा बेटा चाची को बिल्कुल चकाचक कर देगा, शहर के सबसे बड़ा डॉक्टर के साथ काम करता है हमारा बेटा। आइए चाचा बैठिए।
डॉक्टर साहब मेरे बेटे का तबीयत बहुत खराब हो गया है, बहुत उल्टियां कर रहा है, जल्दी चलिए। आप घबराइए मत, मैं चलता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, आइए। दो दिन से बहुत बुखार है इसको, बहुत उल्टी कर रहा है, माथा इसका एकदम तप रहा है, कुछ करिए डॉक्टर साहब। मैं इसको ये इंजेक्शन लगा रहा हूँ जिससे इसका बुखार और उल्टियाँ कम हो जाएंगी। और ये कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ जिनको सुबह शाम खाने के बाद देना है, और इसे भी। भाई साहब फिक्र मत करिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब वो शरीर ठंडा पड़ गया है उसका। क्या ठंडा पड़ गया है? हाँ ठंडा पड़ गया है, जल्दी चलिए। देखिए पूरा ठंडा पड़ गया है, दवाई देने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ करिए डॉक्टर साहब। तुमने इसे समय पर दवाई दी थी? जी डॉक्टर साहब, सब समय पर दिया था। ए राजो क्या हो गया इसको, दवाई दिया था ना। राजो उठ जा, क्या हो गया इसको, क्या कर दिया? राजो दवाई दिया था ना। राजो उठना।